खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाएं और फर्स्ट इंडिया न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। ये बड़ी खबर है, मुंबई से जयपुर तक आ गई कोरोना पॉजिटिव महिला। जयपुर जंक्शन पर पहुंचते ही महिला की स्टेशन पर मौत हुई है। एक महिला यात्री बुधवार को मुंबई से ट्रेन में सवार हुई थी। S2 कोच में ये महिला बैठी थी और कल दोपहर 12:30 बजे ये जयपुर पहुंची। स्टेशन से बाहर निकलते समय पोर्च में ही महिला की मौत हुई है। जांच पॉजिटिव मिलने पर अब रेलवे अफसरों में हड़कंप मचा हुआ है। शव के पोस्टमार्टम के दौरान महिला की कोरोना जांच भी करवाई गई और उसके बाद अब हड़कंप मचा है जब पॉजिटिव आई है रिपोर्ट। लक्षण दिखने के बावजूद भी मुंबई से ट्रेन में कैसे बैठी ये महिला, यह अहम सवाल है। ना मोबाइल था तो क्या आरोग्य सेतु ऐप भी नहीं देखा गया। अब रेलवे ने कोच में मौजूद 5 कर्मचारियों को क्वारंटीन किया है। कोच में बैठे 70 यात्रियों को कोच कर क्वारंटीन की कोशिश की जा रही है। तो इस वक्त बड़ी और अहम खबर जयपुर से। मुंबई से जयपुर तक आ गई कोरोना पॉजिटिव महिला। जयपुर जंक्शन पर पहुंचते ही महिला की स्टेशन पर मौत हुई है। सवाल ये कि आखिर जब तबीयत ठीक नहीं थी और लक्षण जब नजर आ रहे थे, क्या जांच नहीं की गई थी वहां से रवाना करने से पहले। S2 कोच में बैठी थी ये महिला। कल दोपहर 12:30 बजे ये जयपुर पहुंची। स्टेशन से बाहर निकलते समय पोर्च में ही महिला की मौत हो गई। शव का पोस्टमार्टम कराया गया, इसे रूटीन समझा गया कि किसी वजह से हो गई, लेकिन जब पोस्टमार्टम कराया गया तो साफ हुआ कि कोरोना पॉजिटिव थी ये महिला। संवाददाता काशीराम हमारे साथ जुड़ गए। काशीराम, अब ये बड़े सवाल खड़े कर रहा है, कोरोना पॉजिटिव थी महिला और वो मुंबई से जयपुर तक पहुंच गई। जी सर, तो बिल्कुल, देखिए एक बड़ा सवाल है कि रेलवे ने किस तरह से जांच की, जो थर्मल स्क्रीनिंग की गई, क्या उसमें महिला के कोई लक्षण नहीं दिखे गए। दूसरी बात, जब उसके जो मोबाइल पे आरोग्य सेतु ऐप देखा जाता है, तो यहाँ पर जब स्टेशन पर पहुंची थी तो महिला यात्री के पास मोबाइल भी नहीं था। ठाणे की रहने वाली है, महाराष्ट्र की महिला यात्री, जिसकी की मौत हुई और कल दोपहर को जब मौत हुई उसके बाद इसका पोस्टमार्टम करवाया गया था। पोस्टमार्टम में कोरोना के जो सैंपल लिया गया और उसी दौरान जब पॉजिटिव मिला है अपने रिपोर्ट में, तो उसके बाद रेलवे अफसरों में हड़कंप है कि आखिर कैसे कोरोना पॉजिटिव महिला ने यहाँ से यहाँ तक यात्रा की है। और दूसरी बात ये कि अब जो रेलवे के कर्मचारी जो उसके संपर्क में आए थे महिला यात्री के, उन सभी को क्वारंटीन करने के निर्देश जारी किए गए हैं और जो यात्री इस कोच में आए हैं उन सब की खोजबीन जारी है, उनका पता लगाया जा रहा है और उनको सूचना दी जा रही है कि ताकि चिकित्सा विभाग के माध्यम से उनको होम क्वारंटाइन कराया जा सके। तो ये सारी कवायद रेलवे प्रशासन अपने स्तर पर कर रहा है, लेकिन इसमें जयपुर से ज्यादा लापरवाही मुंबई डिवीजन के स्तरों की रही है। तो उन्होंने आखिर क्यों जांच नहीं की मुंबई स्टेशन पर जब महिला यात्री सवार हो। चलिए, लापरवाही तो है रेलवे की भी, अब जांच भी हो गया। हालांकि उससे ज्यादा चैलेंजिंग ये होगा कि जो 70 यात्री थे उन्हें खोजा जाए, उन्हें तुरंत क्वारंटीन किया जाए। बहुत शुक्रिया काशीराम आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो कोरोना को लेकर जयपुर से इस वक्त ये बड़ी खबर है, मुंबई से जयपुर तक कोरोना पॉजिटिव महिला आ गई। जयपुर एयरपोर्ट पर, जयपुर माफ कीजिएगा, जंक्शन पर पहुंचते ही महिला की स्टेशन पर मौत हो गई। एक महिला यात्री बुधवार को मुंबई से ही ट्रेन में सवार होकर आई थी। S2 कोच में बैठी थी ये महिला। कल दोपहर 12:30 बजे इसकी मौत हुई स्टेशन के ही पोर्च पर। शव का पोस्टमार्टम कराया गया और पोस्टमार्टम के बाद साथ ही साथ कोरोना की भी जांच की गई, जिसके बाद हड़कंप मच गया क्योंकि जांच में ये महिला कोरोना पॉजिटिव आई। अब सवाल ये उठता है कि आखिर रेलवे स्टेशन पर महिला की जांच किस तरह से की गई थी, लक्षण दिखने के बावजूद भी आखिर मुंबई से ट्रेन से बैठकर कैसे ये महिला जयपुर पहुंची।